सीएम सिटी करनाल में भी सरकार का बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा फेल होता नजर आ रहा है। घरोंडा बसाड़ा हाईवे स्थित राजकीय कन्या महाविद्यालय घरोंडा में स्टाफ की भारी कमी के चलते बेटियों की शिक्षा के साथ खिलवाड़ करने का काम किया जा रहा है। यह कॉलेज इसी वर्ष सुविधाओं के अभाव में सरकार ने आनन फानन में प्रारंभ तो कर दिया, लेकिन जल्दबाजी का खामियाजा इस समय यहां पर पढ़ने वाली बेटियों को उठाना पड़ रहा है। इस समय इस कॉलेज में कुल 75 बेटियां शिक्षा ग्रहण कर रही हैं, जिसमें कला संकाय में कुल 71 छात्राएं, कॉमर्स संकाय में 27 छात्राएं व विज्ञान संकाय में 7 छात्राएं शिक्षा ग्रहण कर रही हैं। सरकार द्वारा आनन फानन में कॉलेज प्रारंभ तो कर दिया, लेकिन परेशानी अब छात्रों को उठानी पड़ रही है। इस समय यह कॉलेज नवनिर्मित ITI भवन में चल रहा है। हालांकि बिल्डिंग तो बेटियों को अच्छी मिल गई, इसके अलावा साथ लगती बसाड़ा की ही ग्राम पंचायत की जमीन पर इस समय कॉलेज की बिल्डिंग का निर्माण कार्य जोर शोर से चल रहा है। इस कॉलेज में इस समय कला संकाय में हिंदी व अंग्रेजी सहित 2 शिक्षक हैं। इसके अलावा कॉमर्स संकाय में केवल 2 प्राध्यापक हैं व विज्ञान संकाय में मात्र 1 प्राध्यापिका है, जिनके सहारे कॉलेज अपनी शुरुआती लाठी पकड़े हुए है। इस कॉलेज में इस समय राजनीति, विज्ञान, इतिहास, भूगोल, इकोनॉमिक्स, गणित, फिजिक्स, लैब इंचार्ज आदि सीटें खाली पड़ी हुई हैं, जिसके चलते बेटियों की पढ़ाई बाधित है। इसके अलावा कॉलेज के साई प्राचार्य भी नहीं हैं। इस समय राजकीय महाविद्यालय करनाल की प्राचार्य डॉक्टर रेखा शर्मा के पास अतिरिक्त कार्यभार इस कॉलेज का है। वह कॉलेज के अंग्रेजी के प्राध्यापक नरेश सिंह इस कॉलेज के कार्यवाही प्राचार्य हैं। सबसे ज्यादा नुकसान इस कॉलेज में पढ़ने वाली विज्ञान संकाय की बेटियों को शिक्षक ना होने के चलते उठाना पड़ रहा है, क्योंकि विज्ञान की पढ़ाई थोड़ी कठिन होती है। बिना गुरु के बेटियों को बड़ा नुकसान उठाना पड़ रहा है। कॉलेज में पढ़ने वाली छात्राओं के परिजनों ने बताया कि सरकार कॉलेज में जल्दी से जल्दी शिक्षकों की व्यवस्था करे, ताकि बेटियों की पढ़ाई सुचारू रूप से चल सके। देखिए इस बारे में जब कॉलेज की प्राचार्य से बातचीत हुई तो उन्होंने क्या कहा। जैसे मैथ्स है, फिजिक्स है, तो लैब के लिए है, इस तरह का कोई टीचर प्रोफेसर यहाँ पे नहीं है, तो ऐसा कैसे चलेगा? बेटियों की कोई व्यवस्था की है? जैसे हमारे पास बताया है, तो हमने क्या था कि हमने जैसे ही साइंस में एडमिशन हुआ है, साइंस के एडमिशन के बाद हमने जो है DHEU डिस्ट्रिक्ट हायर एजुकेशन ऑफिसर को लिखा हुआ है कि बच्चे जो हैं साइंस में 7 स्टूडेंट हैं, लेकिन केवल और केवल हमारे पास केमिस्ट्री के प्रोफेसर हैं और अन्य जो है प्रोफेसर कोई नहीं है। जैसे कि हमारे पास जो है फिजिक्स में कोई प्रोफेसर नहीं है, साइंस में मैथमेटिक्स पढ़ाने के लिए कोई प्रोफेसर नहीं है, हमारे पास जो है इंग्लिश का जो साइंस है वो मैडम डॉक्टर दीना यादव को पढ़ाते हैं। अभी बातचीत की थी, जैसे कि अभी डॉक्टर विक्रम जी अभी भी कुछ दिन पहले ही आए हैं हिंदी में, तो उम्मीद है कि शायद जल्दी आ जाए। एक व्यवस्था है कि यदि बेटी, उस पर भी हमने लिखा हुआ है, डिस्ट्रिक्ट हायर एजुकेशन से बातचीत भी की हुई है और डिस्ट्रिक्ट हायर एजुकेशन में भी जो है ऊपर जो है चंडीगढ़ जो है वो लिखा हुआ, उन्होंने भी इन बच्चों को या तो टीचर्स भेजे जाए या इनको शिफ्टिंग जो है करवाई। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air condition, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।